और अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच विराजमान बागेश्वर बगिया के एक बहुत ही अनन्य प्रिय शिष्य, जिनका मुंबई में एक बड़ा व्यक्तित्व है, भारतीय सिनेमा की लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, वाणी के धनी हैं, अभिनय के धनी हैं, ऐसे गोविंद नामदेव जी इस आयोजन पर वो भी अपने विचार रखें संक्षिप्त में। जय श्री सीताराम। बागेश्वर धाम के हनुमान बाबा की जय। बागेश्वर धाम के सन्यासी बाबा की जय। मेरे गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की जय। परमादरणीय हमारे भारतीय संत परंपरा के, भारतीय ऋषि परंपरा के, भारतीय संस्कृति के, भारतीय सनातन परंपरा के ध्वजावाहक संवाहक मेरे गुरुदेव श्री शास्त्री जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ विराजमान महान प्रकांड विद्वान सभी संत महात्माओं को उनके चरणों में प्रणाम, और आप सभी भक्तजनों को हृदय से अभिनंदन, आपके चरणों में प्रणाम। मैं कोई बहुत बड़ा भाषण नहीं दूंगा, बस एक दो बातें हैं बहुत ही संक्षेप में जो मेरे गुरुदेव से जुड़ी हुई हैं, मेरी उनके प्रति सोच को बताती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ी अलग हैं लेकिन बात में दम है। जब से गुरुदेव से मेरा संसर्ग हुआ है, जब से उनके साथ मेरा संसर्ग बना है, जब से उनका प्यार स्नेह मुझे मिला है, जब से उनके प्यार स्नेह के दैवीय बंधन में मैं बंधा हूँ, जब से उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, जब से बागेश्वर धाम के हनुमान बाबा का प्रसाद मुझे मिला है, जब से हनुमान बाबा के साथ लगन मेरी लगी है, मेरे जीवन की सारी बेचैनियाँ, सारी व्याकुलताएँ, व्यग्रताएँ एकदम समाप्त हो गई हैं, एकदम शांत हो गई हैं। नहीं तो पहले ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन इसके पहले कोई ना कोई बेचैनी, कोई ना कोई परेशानी, व्यग्रता, एक ना एक मृग तृष्णा हर समय मुझे घेरे रहती थी और मुझे परेशान करती रहती थी। मृग तृष्णा, एक और बंगला हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे, एक और फ्लैट हैदराबाद में हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे, एक और फ्लैट दिल्ली में हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे, मेरा बैंक बैलेंस इतना बढ़ जाए तो बहुत अच्छा रहे, लंदन में स्विट्जरलैंड में भी एक एक फ्लैट हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, वहाँ एक एक अकाउंट खुल जाए तो बड़ा अच्छा रहे। हलाकान कर दिया था मुझे इन मृग तृष्णाओं ने। जब से गुरुदेव से मैं जुड़ा हूँ, जब से इनका आशीर्वाद मुझे मिला है, सारी बेचैनियाँ, सारी मृग तृष्णाएँ एकदम गायब विलीन हो गई हैं, और उसकी जगह एक अद्भुत आनंद ने लिया है। एक अद्भुत आनंद में डूबा रहता हूं मैं, एक ऐसा गहरे सुख का आनंद जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसको मैं सिर्फ अनुभव कर सकता हूं, या जो अनुभव कर सकता है सिर्फ वो ही उसका एहसास कर सकता है। अब बस बार बार यहां बागेश्वर धाम मुझे मुंबई से यहां खींचता है, और संयोग भी देखिए कोई ना कोई ऐसा संयोग जुट ही जाता है कि मैं बागेश्वर धाम खिंचा चला आता हूँ और आ ही जाता हूँ। पता नहीं कितनी बार मैं बागेश्वर धाम आया हूँ मुंबई से, आज भी आपके सामने बैठा हूँ। ये आशीर्वाद इस रूप में मेरे पास कैसे आया मैं नहीं जानता, ये सब गुरुदेव की लीला है, लेकिन मैं अपने जीवन को धन्य समझ रहा हूँ, धन्य मान रहा हूँ कि मैं
गुरुदेव से आके यहाँ जुड़ा, बागेश्वर धाम के साथ मैं जुड़ा। अब मैं गुरुदेव से एक यही प्रार्थना करूँगा कि जीवन पर्यंत मुझे ये आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखें। इस आशीर्वाद के बिना अब मैं अपने ज़िंदगी को, अपने जीवन को बिल्कुल भी सुखी नहीं देखता। और अगर हो सके तो मेरे बाकी और दूसरे भक्तों को भी इस अद्भुत आनंद का, इस अद्भुत आशीर्वाद का स्वाद जरूर चखा दें। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय, श्री राम जय, श्री राम जय, श्री राम। जिन बच्चे बच्चियों के आज ब्याह हो रहे हैं उनको, उनके मेरे, उनके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद। उनके घर में खूब वृद्धि सिद्धि सुख समृद्धि हो, घर में खूब सुख आनंद हो। और उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में जो भी योजनाएं बनाई हैं, जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं, जो भी उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य बनाए हैं, ईश्वर उन लक्ष्यों को जल्दी शीघ्र पूरे करे और आने वाले समय में उनका वैवाहिक जीवन एक उदाहरण के रूप में समाज में याद किया जाए। जय श्री राम।